स्वर्णाली बिल्डर्स मकानों के निर्माता हमारे यहाँ साउथ के इंजीनियर द्वारा सही प्रकार के मकान विद मटेरियल के साथ बनाए जाते हैं। नक्शा फ्री में, लोन सुविधा उपलब्ध है। पता हनुमान कॉलोनी गुना, मोबाइल नंबर 9893057151। सोनाली ए टू जेड मोबाइल शॉप एंड रिपेयरिंग सेंटर, पता PHC के सामने हनुमान कॉलोनी गुना। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक विवेक चौहरी द्वारा ग्वालियर में संभाग के पुलिस के कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा में गुना जिला रहा प्रथम स्थान पर। मध्य प्रदेश में पुलिस महानिदेशक विवेक चौहरी द्वारा 3 सितंबर को ग्वालियर संभाग में पुलिस महानिरीक्षक अविनाश शर्मा, उप महानिरीक्षक राजेश हिंगड़कर एवं संभाग के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक गण की मीटिंग लेकर पुलिस से जिलेवार कार्यों की समीक्षा की गई। मीटिंग में गुना जिले से पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा शामिल हुए। पुलिस महानिदेशक द्वारा संभाग के सभी जिलों की पुलिस के कार्यों की समीक्षा उपरांत गुना पुलिस के कार्यों को प्रथम स्थान दिया गया। ट्रक से कुचलकर हुई बच्चे की मौत, गुस्साए परिजनों ने ट्रक को किया आग के हवाले। प्रशासन की गाड़ियों के भी कांच फोड़े गए, ड्राइवर हुआ मौके से फरार। गुना के राघोगढ़ शहर में शनिवार सुबह एक ट्रक से कुचलकर साइकिल सवार बालक की मौत हो गई। लोगों में आक्रोश फैल गया, जिससे गुस्साए लोगों ने मौके पर ही ट्रक में आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन को भी आक्रोश झेलना पड़ा। घटना राघोगढ़ नगर के बस स्टैंड के पास की बताई जा रही है। शहर के बाहर से सामान लेकर अंदर जा रहे ट्रक ने एक साइकिल सवार बालक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने आक्रोशित होकर मौके पर ही ट्रक में आग लगा दी। पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान आक्रोशित भीड़ द्वारा पुलिस प्रशासन की गाड़ियों के भी कांच फोड़े गए। मकसूदनगढ़ के उकाबट ढोका मंदिर पर भगवान के दर्शन के बाद चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने किसान संघर्ष पद यात्रा की शुरुआत की। यात्रा में राहुगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान यात्रा का जगह जगह किसानों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। यात्रा में किसान पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी शामिल हुए। वही चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने भी विभिन्न मांगों और विभिन्न समस्याओं को लेकर विकलांग किसान के हाथों तहसीलदार निशा भारद्वाज को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिलवाया। राहुगढ़ में स्कूल छात्र की दुर्घटना में मृत्यु के मामले में ट्रक चालक पर किया प्रकरण दर्ज। साथ ही घटना के बाद आगजनी एवं तोड़फोड़ करने वाले 40-50 लोगों पर भी दर्ज की प्राथमिकी। आज 4 सितंबर को सुबह जिले के कस्बा राहुगढ़ में एक ट्रक चालक द्वारा ट्रक को तेज व अनियंत्रित गति से चलाते हुए साइकिल से जा रहे 12 वर्षीय छात्र ऋतिक उर्फ गिरिराज पुत्र रामप्रसाद सैनी की टक्कर मार दी। इस घटना में बच्चे की दुखद मृत्यु हो गई और इस घटना के बाद उस ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया। भगवान रामदेव जी का जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्रद्धालुओं ने गुना से बासोदा की ओर की पदयात्रा। भगवान राम जी का 5 सितंबर को जन्म दिवस बासोदा धाम पर बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें गुना के श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए अपने हाथों में झंडे थाम कर जयकारे लगाते हुए बासोदा की ओर रवाना हुए, जिसमें श्रद्धालुओं का भक्तगणों द्वारा हनुमान चौराहे पर, जयस्तंभ चौराहे पर एवं अनेक स्थानों पर स्वागत हुआ। यातायात पुलिस द्वारा बड़े पुल एवी रोड के पास साइड में हाथ ठेले एवं दुकान लगाने वाले दुकानदारों को आज हटाया गया। गुना जिले के बड़े पुल के पास साइड में हाथ ठेला चालक और कई दुकानदार गुमटी लगाकर बैठ जाते हैं, जिससे यातायात अवरुद्ध होता है और आने जाने में लोगों को काफी परेशानी होती है। यातायात पुलिस द्वारा वहां आज नगरपालिका के माध्यम से दुकानों को हटवाया गया। गुना शिवपुरी सांसद डॉक्टर KP यादव द्वारा सांसद निधि से गुना जिले को किया पशु वाहन प्रदान। गुना शिवपुरी सांसद डॉक्टर KP यादव द्वारा सड़कों पर आवारा घूम रहे पशुओं के लिए नगर पालिका के लिए एक वाहन प्रदान किया गया है। आपको बता दें कि ये वाहन सांसद ने अपनी सांसद निधि से नगर पालिका को प्रदान किया है। इसके माध्यम से अब आवारा घूम रहे पशुओं को गौशाला तक ले जाया जाएगा।
गुना खेल प्रतिभा खोज अंतर्गत खिलाड़ियों का लिया जा रहा है फिटनेस टेस्ट। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के निर्देशन में टैलेंट सर्च का आयोजन खेल और युवा कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में विकास खंड गुना के खिलाड़ियों का श्यामा प्रसाद मुखर्जी खेल प्रशाल में फिजिकल टेस्ट लिया जा रहा है। नदी में नहाने गए नाबालिग। गुना जिले के बमोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत नदी में नहाने गए एक नाबालिग की डूबने से बमोरी थाना प्रभारी भागीरथ शाक्य ने जानकारी देते हुए बताया कि बमोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर का निवासी सतीश रजक पुत्र राम भरोसा रजक उम्र 12 साल निवासी ग्राम रामपुर अपने दोस्तों के साथ कल शाम को नहाने के लिए नदी पर गया था, जिसके गहरे पानी में डूब जाने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने रात्रि में भी शव को बहुत खोजा लेकिन नहीं मिला। आज सुबह पुनः प्रयास करने के बाद शव को नदी से निकाला गया और पीएम के लिए भेजा गया। जिला जज ने सीएमओ को दिए निर्देश, सड़कों पर पशुओं को चारा डालने वालों पर हो कार्यवाही, सफाई व्यवस्था दुरुस्त कर 7 दिन में सूचित करें। जिला न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राकेश कुमार शर्मा ने सीएमओ को लिखे पत्र में कहा कि पता चला है कि मुख्य मार्ग पर कुछ लोग चारा बेच रहे हैं, वहाँ कुछ लोगों द्वारा चारा खरीद कर मार्गों पर डाल दिया जाता है, जिससे आवागमन में परेशानी होती है और यातायात प्रभावित होता है, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, पशुओं के कारण सड़कों पर गंदगी उत्पन्न होती है। चोरोनी मंदिर को बनाया निशाना, मंदिर से चुरा ले गए मंदिर का घंटा। गुना जिले के ग्राम रामगढ़ा में मंदिर से चोरी करने की घटना सामने आई, चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया है। ग्राम भदौरा में घायल गाय के उपचार के लिए गौ सेवकों की टीम पहुंची और प्राथमिक उपचार किया। ग्राम भदौरा में घायल गाय की सूचना मिलने पर गौ सेवक टीम द्वारा पहुंचकर प्राथमिक उपचार किया गया। लखन रजक, राम सिंह रजक, दिनेश अहिरवार, रोमेश अमर नामदेव सेवक उपस्थित रहे। संगीत में श्रीमद भगवत कथा में बामन अवतार का किया गया वर्णन। श्रीमद भागवत कथा में सुनाया भगवान बामन अवतार प्रसंग। कृषि उपज मंडी प्रांगण बीनागंज में समस्त गल्ला मंडी व्यापारी एवं ग्रैन मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद भागवत कथा का आयोजन 2 सितंबर से 8 सितंबर तक किया जा रहा है, जिसमें कथावाचक बाल विदुषी अलकनंदा दीदी मंगरौला जिला साधपुर द्वारा प्रातः 1 बजे से 4 बजे तक श्रीमद भागवत कथा का प्रसंग सुनाया जाता है। श्रीमद भागवत कथा में तीसरे दिन बावन अवतार का प्रसंग भागवत प्रेमियों को सुनाया गया। 7 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा में तीसरे दिन प्रसादी वितरण ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक पालीवाल द्वारा किया गया। शनिवार को 125 केंद्रों पर 27,000 लक्ष्य के साथ टीकाकरण। कोवैक्सीन का टीका मानस भवन व बूढ़े बालाजी पर लगा। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर चलाए जा रहे विशेष टीकाकरण अभियान के तहत जिले में टीकाकरण किया जा रहा है। भाजपा जिला टीकाकरण प्रभारी विकास जैन नकराली ने बताया कि जिले में टीकाकरण 100% हो, इसके लिए शासन स्तर पर नगर में वार्डों में घर घर जाकर सर्वे अभियान शुरू किया जा रहा है, जिससे नगर में प्रथम डोज का टीकाकरण 100% कर नगर को टीकाकरण युक्त बनाया जा सके। विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस कार्यक्रम 3 दिसंबर को विवेकानंद बस्ती गुलाबगंज कैंट में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विभाग मंत्री सुरेश शर्मा एवं जिला मंत्री लक्ष्मी नारायण ओझा, नगर मंत्री राजेंद्र सिंह कुशवाहा उपस्थित रहे। सर्वप्रथम भगवान राम दरबार का पूजन अर्चन किया गया। पश्चिम मध्य रेल ने हाई स्पीड ऑसिलेशन ट्रायल कर विकास, सुरक्षा और गतिशीलता में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। भारतीय रेल नए लोकोमोटिव डुअल ट्रैक्शन हाई पावर WDAP 71,000 लोकोमोटिव 5,000 HP न्यू रोलिंग स्टॉक के रूप में नई तकनीकी के त्वरित परिचय और उपयोग के साथ आगे बढ़ रही है। रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन करने पर कलेक्टर ने लगाया 80 लाख रुपए का जुर्माना। ठेकेदार सत्येंद्र सिंह रघुवंशी द्वारा शासकीय भूमि से किया गया रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन। कलेक्टर फ्रैंक नोवेले द्वारा शासकीय भूमि से रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन करने के एक प्रकरण में उत्खननकर्ता के विरुद्ध 80 लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया है।
5 सितंबर शिक्षक दिवस पर वेबिनार के माध्यम से होगा राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान आयोजन। NIC गुना में VC के माध्यम से संपन्न होगा कार्यक्रम। प्रतिवर्ष की भांति पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह होगा, जिसमें चयनित शिक्षकों को 25,000 रुपए की राशि, प्रशस्ति पत्र, शाल, श्रीफल से सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश पिच नियम 2014 के अनुपालन में निर्देश। कलेक्टर फ्रैंक नोबले द्वारा जिले में समस्त SDM को निर्देश दिए हैं कि मध्य प्रदेश विष कब्जा और विक्रय नियम 2014 के अंतर्गत विष के क्रिय विक्रय एवं संग्रहण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कार्यवाही करें। कलेक्टर द्वारा सभी SDM को कार्यवाही से अवगत कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। नेशनल लोक अदालत के प्रचार हेतु प्रचार वाहन रवाना। 11 सितंबर 2021 को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत। कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण गुना राजेश कुमार कोष्टा के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत 11 सितंबर 2021 को जिला स्तर पर एवं तालुका न्यायालय चाचौड़ा राघोगढ़ आरोन में आयोजित की जा रही है। उक्त नेशनल लोक अदालत के प्रचार हेतु प्रचार वाहन साइकिल रिक्शा को प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना राजेश कुमार कोष्टा ने हरी झंडी दिखाकर न्यायालय प्रांगण से रवाना किया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के हितग्राही चयन हेतु कैंप लगेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के हितग्राहियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य जिले में कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए के निर्देश पर कैंप आयोजित किए जाएंगे, जिसमें गैस एजेंसी को ग्रामों को सूची दी गई है, जिसमें हितग्राहियों का चयन आवेदन तथा दस्तावेजीकरण किया जाएगा। इस काम में पंचायत सचिव, सरपंच, संबंधित दुकान का सेल्समैन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक आदि सहयोग करेंगे। ये कैंप पंचायत भवन अथवा शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के आसपास आयोजित होंगे। विभिन्न केंद्रों में किया जाएगा वैक्सीनेशन का कार्य। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी अनुसार 5 सितंबर रविवार को कोविड टीकाकरण के अंतर्गत क्षेत्र में कोविशील्ड वैक्सीन के प्रथम एवं द्वितीय डोज टीकाकरण केंद्रों पर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन द्वारा शहर के मानस भवन गुना शहरी स्वास्थ्य केंद्र कुशमोदा, शहरी स्वास्थ्य केंद्र बूढ़ेवाला जी, सिविल डिस्पेंसरी कैंट टीकाकरण केंद्रों पर तथा कोवैक्सीन के प्रथम एवं द्वितीय डोज मानस भवन तथा शहरी स्वास्थ्य केंद्र बूढ़ेवाला जी में ऑन साइट रजिस्ट्रेशन द्वारा लगाए जाएंगे। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा 25 अगस्त से 8 सितंबर तक प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसके अंतर्गत गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के नेत्र रोग विभाग द्वारा लोगों में नेत्रदान के प्रति जागरूकता लाने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। झांकी आयोजन गणेश उत्सव झांकी एवं ढोल ग्यारश विमान चल समारोह के संबंध में रखी गई बैठक। गणेश उत्सव झांकी एवं ढोल ग्यारश विमान चल समारोह के संबंध में चाचौड़ा थाने पर बैठक रखी गई, जिसमें नगर के पुजारी एवं विद्वान पंडित जगदीश प्रसाद शर्मा कौन्या वाले एवं मुकेश चंद सदर बाजार चाचौड़ा, अनंत नारायण शास्त्री, कृष्ण गोपाल, पंडित अमित शर्मा उपस्थित रहे। थाना प्रभारी द्वारा सभी को निर्देशित किया गया कि गणेश उत्सव झांकी 30x45 फुट के पंडाल में लगेगी। चल समारोह में 10 से अधिक अनुमति नहीं रहेगी। झांकी सक्रिय जगह में नहीं लगाई जाएगी। कान्हा के जन्मोत्सव में उमंग में डूबी लिनेंस क्लब की गोपियां। लिनेंस क्लब ने मनाया कृष्ण जन्मोत्सव, विविध खेल और नृत्य के साथ लिया रंगारंग कार्यक्रम का आनंद। नटखट वंशी वाले गोकुल के राजा का जन्म हो चुका है। उत्सव में डूबी है गुना की धरती। धानी श्रृंगार कर धरती ने खिलखिलाए हैं हरियाली के पंख, तो सहेलियों ने गोपी बन रंग लिया है कृष्ण में रंग। लिनेंस क्लब द्वारा कान्हा के जन्मोत्सव इसी रंग में रंग कर मनाया तो वातावरण सारा कृष्ण में हो गया। पर्यावरण अनुकूल गणेश चतुर्थी उत्सव मनाने नवकुंज पब्लिक स्कूल NFL पालिका गुना में छात्रों को सादा मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, कागज लुगदी से भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को बनाने का दिया गया प्रशिक्षण। हम भी सुचेता सिंह स्वाधीन पर्यावरण व सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा बताया गया कि आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरण संरक्षण के लिए गणेश चतुर्थी उत्सव मनाने आप भी इसी तरह गणेश जी व दुर्गा जी की प्रतिमा को बनाएं। ट्रक से कुचलकर हुई बच्चे की मौत। गुस्साए परिजनों ने ट्रक को किया आग के हवाले। प्रशासन की गाड़ियों के भी कांच फोड़े गए। ड्राइवर हुआ मौके से फरार।
गुना के राघोगढ़ शहर में शनिवार सुबह एक ट्रक से कुचलकर साइकिल सवार बालक की मौत हो गई। लोगों में आक्रोश फैल गया, जिससे गुस्साए लोगों ने मौके पर ही ट्रक में आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन को भी आक्रोश झेलना पड़ा। घटना राघोगढ़ नगर के बस स्टैंड के पास की बताई जा रही है। शहर के बाहर से सामान लेकर अंदर जा रहे ट्रक ने एक साइकिल सवार बालक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने आक्रोशित होकर मौके पर ही ट्रक में आग लगा दी। पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान आक्रोशित भीड़ द्वारा पुलिस प्रशासन की गाड़ियों के भी कांच फोड़े गए। वहीं इस दुर्घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें लड़का साइकिल चलाते हुए आ रहा है, वहीं ट्रक चालक ने टक्कर मार दी, जिससे वे पिछले पहियों में दब गया और उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह पहुंचे मौके पर। राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने इस मामले में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। माली समाज के बेटे गिरिराज सैनी की ट्रक से मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता के लिए एवं घर के एक सदस्य को नौकरी की मांग की है। सभी जो आसपास के लोग थे, परिवार के सदस्य थे, सबने काफ़ी रोष था। मैं सबसे पहले बात भी की जी। और हम सब मिलकर पीड़ित परिवार को पूरी सहायता दिलवाई। इस दुखद घड़ी में सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पीड़ित परिवार का पूरा साथ का ख्याल रखें, और विशेषकर जो भी सहायता बन सकती है पूरी उनको दिलवाएंगे। सर, रोड खराब होने का बड़ा उन्होंने कहा कि रोड खराब है। इसलिए रोड जो ससुरा रोड है जी, लोक सेवा विभाग की है जी, डब्ल्यूडी के अंदर आने वाली है जी, PRTC की है जी, और इसका टेंडर हो चुका, काम चालू हो चुका है 150 करोड़ का, आरोन से लेकर बचूगा तक। तो इसमें अभी काम आरोन तरफ से चालू है, बारिश बाद प्लानिंग है कि ये भी पूरा CC किया जाएगा। लेकिन मूल बात ये है कि उसमें टक्कर लगी है, तो लगी है ट्रक से, इसी कारण उसमें हादसा हुआ है। तो इसमें जो भी ट्रक ड्राइवर है, पुलिस ने हमको आश्वासन दिया है कि उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और पूरा उसमें सहायता मिले पीड़ित परिवार को, ये हमारा प्रयास है। मकसूदनगढ़ के उकाबड़ ढोका मंदिर पर भगवान के दर्शन के बाद चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने किसान संघर्ष पद यात्रा की शुरुआत की। यात्रा में राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान यात्रा का जगह जगह किसानों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। यात्रा में किसान पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी शामिल हुए। वही चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह ने भी विभिन्न मांगों और विभिन्न समस्याओं को लेकर विकलांग किसान के हाथों तहसीलदार निशा भारद्वाज को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिलवाया। मधुसूदनगढ़ की पावन भूमि को आज जोड़कर प्रणाम करता हूं, और आज इस महान रैली में, इस महायज्ञ में जो किसानों के हित के लिए किया जा रहा है, मजदूरों के हक के लिए किया जा रहा है, उसमें दूर दूर से पधारे मेरे सभी साथी भाइयों और दोस्तों, भाइयों बहनों, सभी आप सबको प्रणाम करता हूं। चिरंजीव जयवर्धन, विधायक साथी रामचंद्र जी, पूर्व विधायक जी बंधु जी, राधेश्याम जी, हमारे चंद्र जी डाक्सा, रामदास जी, हरिबाबू, और हमारे हेमराज जी, और हमारे सिसोदिया जी गुना से पधारे सभी साथी, लकेरी से, राघोगढ़ से, और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से, राजगढ़ से सभी साथियों, आप सबका बहुत बहुत आभार। साथियों, मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको विस्तृत बात बताई और आप सब जानते हैं कि आप अपने साथियों ने कहा कि साहब अपन भी एक यात्रा निकाले। मैंने कहा बिल्कुल निकालो, और हर ब्लॉक में निकालेंगे। मधुसूदनगढ़ से हमने तय किया, और कल जब मैं भोपाल से चला रैली पे शाम भाग लेने के लिए,
मुझे हमारे साथी सुनील शर्मा का फोन आया कि साहब मैं अनुमति लेने के लिए गया था SDM के पास, तो वो तो आवेदन ही नहीं ले रहा है। अच्छा, मैंने जिलाधीश को फोन लगाया, मैंने कहा हम किसानों के हित के लिए, किसानों के सम्मान में, किसानों के हक के लिए आवाज उठाना चाहते हैं, और वो तो तुमसे पूछने की जरूरत भी नहीं, वो तो हम भलमन साथ में पूछ रहे हैं तुमसे। तुम्हारी औकात क्या है किसान के सामने? तुम हो कौन? अरे तुम्हारे जैसे कई कलेक्टर आए और कई गए और कई आएंगे और कई जाएंगे, लेकिन ये मधुसूदनगढ़ की जनता, इस आस पास के क्षेत्र की जनता, किसान मजदूर यही रहेगा, यही रहेगा, यही रहेगा, पीढ़ियों से रहता आया है, पीढ़ियों तक रहेगा। भगवान रामदेव जी का जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में श्रद्धालुओं ने गुना से बासोदा की ओर की पदयात्रा। भगवान राम जी का 5 सितंबर को जन्म दिवस बासोदा धाम पर बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें गुना के श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में जन्म उत्सव में शामिल होने के लिए अपने हाथों में झंडे थाम कर जयकारे लगाते हुए बासोदा की ओर रवाना हुए, जिसमें श्रद्धालुओं का भक्तगणों द्वारा हनुमान चौराहे पर, जयस्तंभ चौराहे पर एवं अनेक स्थानों पर स्वागत हुआ। ये हमारी धार्मिक यात्रा गुना से स्टार्ट होकर के भगवान रामदेव जी के मंदिर गंज वासुदा जा रही है। ये इस उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। ये भगवान रामदेव जी के जन्मदिन है 8 सितंबर को, तो जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में ये धार्मिक यात्रा निकाली जा रही है। अच्छा, यात्रा में कौन कौन शामिल है? यात्रा में हम क्या क्या नाम है आप सबके? दिनेश धाकड़, पिंकेश धाकड़, हेमंत धाकड़, शुभम गौड़, हम 11 लोग शामिल हैं इसमें। अच्छा, कहाँ के लोग हो आप? हम गुना और आसपास के क्षेत्र के लोग हैं। गुना से शुरू होकर कहाँ जा रही है यात्रा? गंज वासुदा भगवान रामदेव जी के धाम को जा रही है। कहाँ से शुरू हुई है? गुना से, हनुमान चौराहे से प्रारंभ हुई है। हाँ। और गंज वासुदा में रामदेव भगवान का बहुत भव्य मंदिर है, वहाँ पे वासुदा दरबार के नाम से जाना जाता है, और वहाँ पे जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से जाते हैं, बाबा का अरदास करते हैं, परम पूज गुरु बाबा महाराज के माध्यम से सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं। इसी उपलक्ष्य में क्षेत्र की शांति और समृद्धि के लिए हम बाबा से कामना करने के लिए उनके जन्मदिन पर ध्वज लेकर के जा रहे हैं। क्या उद्देश्य यात्रा का? यात्रा का हमारा उद्देश्य है कि क्षेत्र में शांति बनी रहे, खुशहाली बनी रहे, भाईचारा बना रहे, सब लोगों का कल्याण हो। चोरोनी मंदिर को बनाया निशाना, मंदिर से चुरा ले गए मंदिर का घंटा। गुना जिले के ग्राम रामगढ़ा में मंदिर से चोरी करने की घटना सामने आई, चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया है। हमने सुबह ही देखे थे, रामपाल आता हर गुरुवार। किस गांव से? चक पपरिया। अच्छा, वो जी किस गांव में है इसका? जो ग्राम रामगढ़ा। अच्छा, तो आपने क्या देखा? हमने जो देखे घंटा कहीं नहीं है मंदिर में। अच्छा, सभी जी 8-10 घंटा रहे थे, सभी हिट गए, सभी निकल गए। आपका नाम? माखन सिंह। यातायात पुलिस द्वारा बड़े पुल एवी रोड के पास साइड में हाथ ठेले एवं दुकान लगाने वाले दुकानदारों को आज हटाया गया। गुना जिले के बड़े पुल के पास साइड में हाथ ठेला चालक और कई दुकानदार गुमटी लगाकर बैठ जाते हैं, जिससे यातायात अवरुद्ध होता है और आने जाने में लोगों को काफी परेशानी होती है। यातायात पुलिस द्वारा वहां आज नगर पालिका के माध्यम से दुकानों को हटवाया गया। बहुत ट्रैफिक का आवागमन रहता है और सौंदर्यीकरण का भी कार्य चल रहा है, सेल्फी पॉइंट भी पास में है। आम पब्लिक के लिए, आम जन के लिए कोई दिक्कत ना हो चलने फिरने में, इसलिए ये अस्थायी अतिक्रमण जो बार बार लगा लेते हैं उनके लिए आज लास्ट बार समझाया गया है कि आप लोग यहाँ ना लगाएं, और अगर ठेले वगैरह यहाँ ना लाएं, अगर वो लगाते हैं तो उनके लिए फिर चालानी कार्रवाई की जाएगी और सामान जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। और भी जगह यहाँ से, यहाँ को छोड़कर और भी जगह मतलब रोड पर ही लगाते हैं लोग बाग, और जो मतलब दुकानदार यातायात बाधित करते हैं। हाट रोड पर भी सोमवार से कार्रवाई की जाएगी। सदर बाजार में भी माने दुकानदारों ने बाहर सामान रख लिया, वो भी हटाया जाएगा। सोमवार से ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर सामूहिक कार्रवाई की जाएगी। सर ये बताएं, आज यहाँ से ये दुकानें हटवाई जा रही हैं यातायात को देखते हुए? ये क्या है, मुख्य मार्ग है शहर का, और अभी अभी कुछ दिन पहले सौंदर्यकरण के लिए यहाँ सेल्फी पॉइंट भी बनाया हुआ है। इनको कई बार हमने चेतावनी दी है कि यहाँ से हट जाएं। एक तो जो है कि सड़क पे दुकान लगा,
दूसरा ग्राहक जो आता है तो बीच रोड पर मोटरसाइकिल वाहन अपना खड़ा करता है, इससे यातायात व्यवधान होता है। तो संयुक्त कार्रवाई है नगर पालिका की, हमारी आज इनको हटाया है, दोबारा लगाएंगे तो वैधानिक कार्रवाई इनके खिलाफ। अभी इन पर कोई चालानी कार्रवाई की गई है, ऐसे ही अभी हटा दिया गया? तो सिर्फ इनको चेतावनी देकर हटा दिया है, वो हट गए हैं। और आगे लगाएंगे तो? जी आगे लगाएंगे तो नगर पालिका वैधानिक कार्रवाई करेंगे बिल्कुल। गुना शिवपुरी सांसद डॉक्टर केपी यादव द्वारा सांसद निधि से गुना जिले को किया पशु वाहन प्रदान। गुना शिवपुरी सांसद डॉक्टर केपी यादव द्वारा सड़कों पर आवारा घूम रहे पशुओं के लिए नगर पालिका के लिए एक वाहन प्रदान किया गया है। आपको बता दें कि ये वाहन सांसद ने अपनी सांसद निधि से नगर पालिका को प्रदान किया है। इसके माध्यम से अब आवारा घूम रहे पशुओं को गौशाला तक ले जाया जाएगा। गुना खेल प्रतिभा खोज अंतर्गत खिलाड़ियों का लिया जा रहा है फिटनेस टेस्ट। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के निर्देशन में टैलेंट सर्च का आयोजन खेल और युवा कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वधान में विकास खंड गुना के खिलाड़ियों का श्यामा प्रसाद मुखर्जी खेल प्रशाल में फिजिकल टेस्ट लिया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश शासन खेल एवं कल्याण विभाग का एक अनूठा प्रयास है कि मध्य प्रदेश में जो विभाग की विभिन्न अकेडमीज जो चल रही हैं स्पोर्ट्स अकेडमीज, इसमें टैलेंट को हमें ग्रास रूट लेवल पे सर्च करना है, जिसके लिए 8 इवेंट्स शासन द्वारा निर्धारित हैं, जिसका हम लोग यहाँ पे पूरे जिले के विभिन्न ब्लॉकों की वो इवेंट्स कौन कौन से बताएं? पहले तो सब वेट की बच्चा की का वेट कितना है, उसकी हाइट कितनी है, फिर उसका फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट होगा, फिर 600 मीटर रन है, 50 मीटर रन है, उसके बाद फ्लेमिंग गो टेस्ट होता है, फिर आपका सिटअप्स और पुशअप्स, ये 8 इवेंट्स होती हैं जिसमें उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसमें उनका फिटनेस टेस्ट लेते हैं और फिर वो सारा रिकॉर्ड हमारा चले जाएगा भोपाल, फिर वहाँ पर स्कूटिंग होगी। फिटनेस के बाद फिर आगे खिलाड़ी को आगे खिलाड़ियों के लिए जो स्कूटिंग पूरे मध्य प्रदेश का डाटा इकट्ठा हो रहा है संचालनालय में, फिर एज वाइज वो स्कूटिंग करेंगे कि किस उम्र का बच्चा कितना कैपेबल है, कितनी फिटनेस है उसकी, ताकि वो अगले संभाग स्तर पर चयन में अपने कब से आयोजित किया गया ये गुना जिले में? हमने 31 तारीख से जिला स्तर पे चयन प्रक्रिया चालू की है पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार, और शिक्षा विभाग के जो हमारे सहयोगी हैं जिला शिक्षा अधिकारी और उनकी पूरी टीम आप देख रहे हो लगी हुई है। ये विषम परिस्थितियों में भी जो पिछले 31 तारीख और 1 तारीख को जो भयंकर बारिश के कारण हमारे दोनों ग्राउंड इफेक्टेड हो गए थे, इन लोगों ने पूरी मेहनत करके और ग्राउंड को इस योग्य बनाया कि चयन ट्रायल भी संपन्न हो जाए और साथ में खिलाड़ी डैमेज भी ना हो। थैंक यू। क्या शुभ नाम? मेरा नाम राजेश सिंह है, जिला खेल एवं लोक कल्याण अधिकारी जिला। थैंक यू।